42 इज हियर, अभिवादन स्वीकार कीजिए डॉक्टर सतीश पांडे का। साल में एक बार ही हम ऐसा वीडियो बनाते हैं जिसमें हम 10 अलग अलग शैम्पू ब्रांड्स को कम से कम 3 महीनों तक टेस्ट करके यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन सा शैम्पू कैसा परफॉर्म कर रहा है, और अपने इन्हीं अनुभवों के आधार पर हमने आपके लिए बनाया है यह वीडियो जिससे आप जानेंगे बेस्ट टॉक्सिन्स फ्री शैम्पू ब्रांड्स कौन से हैं ये, और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आपकी जानकारी के लिए। इस वीडियो के लिए जब हम प्रोडक्ट परचेज कर रहे थे तो बिना इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़े ही हमने विल्बा और ब्लेयर के शैम्पू और कंडीशनर का ऑर्डर कर दिया, पर जब प्रोडक्ट हमारे पास आया तो इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़कर हम खुद भी बहुत चौंक गए, क्योंकि इनको बनाने के लिए अब सेफ प्रिजर्वेटिव की जगह टॉक्सिक फिनॉक्सीएथेनॉल और पीईजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप इस बात को नोट कर लीजिए कि आपको विल्बा का शैम्पू और कंडीशनर नहीं खरीदना है क्योंकि यह सेफ नहीं रहा। कंपनी ने इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट को चेंज कर दिया है, इसीलिए आपको इस प्रोडक्ट को नहीं खरीदना चाहिए। और ऐसी ही कुछ कहानी ब्रिलेयर के शैम्पू और कंडीशनर की भी है। अब आइए जानते हैं बेस्ट शैम्पू ब्रांड्स के बारे में जिनको बनाने के लिए कोई भी टॉक्सिक इंग्रेडिएंट इस्तेमाल नहीं किया गया है। मैं इन सभी प्रोडक्ट्स का अमेजन परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, लेकिन आपको मेरी यही सलाह होगी कि इन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए आप कंपनी की वेबसाइट का इस्तेमाल कीजिएगा। ऐसा करके आप जेफ बेजोस को अमीर बनाने की जगह कुछ पैसे उन लोगों की जेब में डालेंगे जो आपकी सेहत के लिए इतने अच्छे फॉर्मुलेशंस बनाते हैं। अब आइए बात करते हैं नंबर 5 के प्रोडक्ट्स के बारे में। नंबर 5 पर मैंने रखा है 3 ब्रांड्स को। इनमें सबसे पहला नाम है द प्लम टी ट्री डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू, नंबर 2 है फाई टी ट्री डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू, और नंबर 3 पर है एशेंट लिविंग का शैम्पू। इन तीनों प्रोडक्ट्स को मैंने नंबर 5 की पोजीशन इसलिए दी है कि इनको बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है कोकामिडो प्रोपाइल बिटाइन, इसे शॉर्ट में CAPB भी कहते हैं। इसकी EWG रेटिंग 3 है, यह टॉक्सिक नहीं है, पर इसकी सेफ्टी रेटिंग 3rd क्लास की है। इस इंग्रेडिएंट का उपयोग कंपनियां 2 कारणों से करती हैं, पहला यह मिलता सस्ता है और दूसरा यह झाग भी खूब बनाता है। प्लम और फाई के इंग्रेडिएंट लिस्ट को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इसको बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है बिलोबार्क, जो नेचुरल सैलिसिलिक एसिड का एक स्रोत है जिसके इस्तेमाल से डैंड्रफ कम होता है। तो अगर आपको डैंड्रफ की समस्या है तो आपको प्लम या फाई में से कोई भी एक प्रोडक्ट चुनना है। वहीं एशेंट लिविंग ने हेयर फॉल को कम करने के लिए रोजमेरी एसेंशियल ऑयल का उपयोग अपने शैम्पू में किया है। तो अगर आपको झाग पसंद है तो आप इनमें से कोई भी एक ब्रांड खरीद सकते हैं। वैसे इन तीनों प्रोडक्ट में कोई भी टॉक्सिक इंग्रेडिएंट नहीं मिलाया गया है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक शैम्पू हैं, इसलिए बालों को थोड़ा ड्राई करेंगे। अब आइए जानते हैं नंबर 4 के ब्रांड की। नंबर 4 पर मैंने 2 प्रोडक्ट को रखा है। इसमें सबसे पहला प्रोडक्ट है द मॉम्स को नेचुरल प्रोटीन हेयर स्ट्रेंथनिंग शैम्पू, और दूसरा ब्रांड है ब्लोज अनियन स्ट्रेंथ शैम्पू। इन दोनों प्रोडक्ट्स को मैंने नंबर 4 पर इनकी इंग्रेडिएंट क्वालिटी की वजह से रखा है। ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, तो केमिकल वाले शैम्पू से झाग कम ही बनाएंगे, साथ ही बालों को थोड़ा ड्राई भी करेंगे। लेकिन इन प्रोडक्ट्स के फॉर्मुलेशन एक्सपर्ट ने इतना अच्छा काम किया है कि अब ऑर्गेनिक और केमिकल वाले प्रोडक्ट एक बराबर पहुंच गए हैं। इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने के बाद आपको इनमें कोई कमी नहीं महसूस होगी। इन दोनों प्रोडक्ट्स को हेयर फॉल को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है, तो शैम्पू से जितना हेयर फॉल रुक सकता है ये बेचारे उस काम को बखूबी करते हैं। अगर आपको भी माइल्ड हेयर फॉल की समस्या है तो आप इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। और टॉप 3 ब्रांड्स जानने से पहले मेरा आपसे यही अनुरोध है कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब आइए बात करते हैं नंबर 3 के प्रोडक्ट की। नंबर 3 पर मैंने रखे हैं 3 अलग अलग ब्रांड। इनमें सबसे पहला नाम है जस्ट हर एंटी डैंड्रफ हेयर फॉल शैम्पू, दूसरा प्रोडक्ट है रस्टिकार्ट रोज जेरेनियम शैम्पू, और तीसरे प्रोडक्ट का नाम है द मॉम्स को नेचुरल डैमेज रिपेयर के प्लस हेयर शैम्पू। ये तीनों प्रोडक्ट एक जैसे हैं, सिर्फ 19-20 का फर्क है।
जैसे जस्ट हर्ब बहुत कम मात्रा में खर्च होता है, वहीं रस्टी कार्ड सबसे ज्यादा झाग बनाता है। द मॉम्स को की सुगंध आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपके बाल बहुत छोटे हैं तो आपको कंडीशनर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, पर बड़े बाल वाले इन प्रोडक्ट्स के साथ अगर कंडीशनर का इस्तेमाल करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इनसे अच्छा और कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। अब आइए बात करते हैं नंबर 2 के प्रोडक्ट के बारे में, जो है कामा आयुर्वेद भृंगादि हेयर क्लेंजर। इस प्रोडक्ट की सबसे बड़ी कमी यही है कि इसका प्राइस बहुत ज्यादा है, पर यह बालों की सफाई बहुत अच्छे तरीके से करता है। क्योंकि इसमें बहुत सारे हर्ब्स पड़े हुए हैं इसलिए इसकी सुगंध आपको थोड़ी अजीब सी लगेगी, लेकिन इस्तेमाल करने के बाद आपको जो फील मिलेगी मुझे उम्मीद है कि इसका प्राइस उसे जस्टिफाई कर देता है। एक बहुत अच्छा शैम्पू जो बालों को बिना ड्राई किए अच्छे तरीके से साफ होता है। इतना महंगा होने के बावजूद भी मैंने शानदार प्रोडक्ट फील की वजह से इस प्रोडक्ट को नंबर 2 पर रखा है। अब आइए बात करते हैं नंबर 1 के ब्रांड के बारे में, जो है हर्ब साइंस हेयर नॉरिशिंग प्रो वी केराटिन शैम्पू। यह न सिर्फ इस वीडियो का एकमात्र इकोसर्ट कॉस्मोस नेचुरल मेड सेफ और आयुष सर्टिफाइड ब्रांड है, बल्कि हम इस प्रोडक्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से इसलिए जानते हैं क्योंकि पिछले 3 साल से हम आपको इस प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं। न सिर्फ हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं बल्कि हम स्वयं अपने घरों में इस प्रोडक्ट का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर शैम्पू ब्रांड्स की बात की जाए तो हमें इससे ज्यादा अनुभव शायद ही किसी दूसरे ब्रांड का हो। मैं कंपनी के क्लेम को तो वेरीफाई नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई मैट्रिक्स नहीं है जिससे मैं आपको यह बता सकूं कि कितने परसेंट यह हेयर फॉल को कम करता है या कितने परसेंट इसने डैंड्रफ को कम किया है। लेकिन यह बात सत्य है कि अगर आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो डैंड्रफ और हेयर फॉल की प्रॉब्लम कम होगी, क्योंकि यह भारतीय बाजार में उपलब्ध एकमात्र सर्टिफाइड टॉक्सिन्स फ्री शैम्पू ब्रांड है जो बालों को बिना रफ या ड्राई बनाए अच्छी तरह से स्कैल्प की सफाई करने में सक्षम है। यह झाग भी बहुत अच्छा बनाता है, कम मात्रा में खर्च होता है। तो अगर आपको बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मेरा आपसे यही अनुरोध होगा कि आपको इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहिए। तो आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। अगर इससे संबंधित आपका कोई प्रश्न होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।